हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ली मॉम। आज हम बात करेंगे कुछ ओल्ड वाइफ्स टेल्स की, या फिर हम कह सकते हैं जिस कि बेबी बॉय होने के क्या लक्षण है, बेबी गर्ल होने के क्या लक्षण है। मेरी बेबी गर्ल हुई थी, सो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेबी गर्ल जब हुई तो मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कौन से सिम्टम्स थे। तो बनी रही मेरे साथ। तो अभी मैं जो हूँ, कुछ अपने पास फ़ोन है मेरे पास और उसमें कुछ कैलेंडर टाइप बना हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैंने कवर करना है इसलिए कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कौन से सिम्टम्स जो थे वो, जब कौन सी ऐसी बातें थी जो बिल्कुल ट्रू रही बेबी गर्ल्स के लिए। मैं पॉइंट्स दूंगी कि कौन सा पॉइंट जो है बॉय को जाता है और कौन सा पॉइंट जो है गर्ल को जाता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चाइनीज़ कैलेंडर की। सो ये चाइनीज़ कैलेंडर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है आई थिंक, एंड आपकी एज के अकॉर्डिंग जो है चाइनीज़ कैलेंडर के दौरान पता लग जाता है या पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। तो चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेरे हमेशा ही बेबी गर्ल ही आती थी, तो ये पॉइंट जो है मैं गर्ल को दूंगी। एंड बेबीज हार्ट रेट, तो बेबीज हार्ट रेट में ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि 140 से कम जब बेबी की हार्ट रेट होता है इन द अल्ट्रासाउंड तो बेबी बॉय होता है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो बेबी गर्ल होती है। तो यस, इट्स ट्रू, मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से लेके लास्ट अल्ट्रासाउंड तक मेरे जो है बेबी की हार्ट बीट जो थी वो 140 से अबव ही होती थी, 150 अराउंड रहती थी, 160 भी रहती थी, बट 155-150 इतना ही रहती थी। तो ये पॉइंट मैं बेबी गर्ल को देती हूँ। थर्ड बात कर लेते हैं कि क्रेविंग्स, तो कहते हैं कि स्वीट क्रेविंग हो तो गर्ल के लिए होती है और अगर सॉल्टी खाने का मन करे तो बॉय के लिए होता है। तो मैं कहूँगी कि मुझे सॉल्टी खाने का नहीं मन करता था, बट हाँ मुझे स्वीट्स खाने का मन करता था, प्लस मैं जो है वो खट्टा खाना ज़्यादा लाइक करती थी। तो ये पॉइंट जो है मैं गर्ल को देती हूँ। अगला हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। तो यस, मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही ज़्यादा हुई थी। तो कहते हैं कि बॉय के केस में मॉर्निंग सिकनेस कम होती है, बट गर्ल के केस में बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ दिस पॉइंट आल्सो गोज टू द गर्ल, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही ज़्यादा हुई थी। एंड मैंने इसके रिलेटेड जो वीडियो भी बनाई है, अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस को शेयर किया है ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो वीडियो है उसका वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। एंड मैं उसे जो है आई एम स्क्रीन में भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो आगे है नेक्स्ट मंथ डैड्स वेट। तो यस, नंदिता के पापा का जो वेट था वो गेन हो गया था जब वो नंदिनी ने कंसीव किया हुआ था, तो ये पॉइंट जो है वो मैं गर्ल को देती हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉम्स इमोशंस। तो मूडी या फिर गर्ल्स के लिए कहते हैं कि मूडी होती है, एंड बॉयज़ के लिए कहते हैं कि थोड़ा वो हैप्पी रहती हैं। तो यस, मैं मतलब ऐसे इमोशंस के बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैं हैप्पी भी खुश भी रहती थी, क्योंकि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो एंजॉय नहीं कर पाई थी ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस, बट आफ्टर दैट मैं खुश ही थी। तो ये पॉइंट जो है मैं बॉय को देती हूँ। नेक्स्ट जो है करते हैं बात मॉम स्किन की। तो मॉम स्किन मतलब मेरी स्किन जो थी वो काफ़ी ग्लो करती थी, मेरे हेयर जो है बहुत अच्छे हो गए थे, तो ये जो पॉइंट है मैं गर्ल को देती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेडेक्स की। तो मुझे हेडेक्स नहीं होते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि गर्ल के केस में हेडेक नहीं होते हैं, तो इट्स ट्रू, गर्ल्स के केस में मेरी को बेबी गर्ल होती तो मेरे को हेडेक्स नहीं होते थे। कैरिंग हाई और लो, तो कैरिंग हाई और लो में मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है कैरी मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कैरी हाई किया हुआ है जो लो किया हुआ, तो सो मैं इसमें 50-50 दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा इसमें पता नहीं लगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी शायद इसलिए, तो आई एम जस्ट गिविंग 50-50 टू बोथ। आगे बात करते हैं ड्रीम्स। तो ड्रीम्स में कहते हैं कि गर्ल के केस में गर्ल नज़र आती है एंड बॉय के केस में बॉय। तो ड्रीम्स ऐसे सच मुझे कभी किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं आते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था, मेरे सपने बच्चे आते थे, बट ये ऐसे नहीं पता लगता था कि ये बेबी गर्ल है ये बेबी बॉय। तो मैं ये पॉइंट भी जो है दोनों को 50-50 देती हूँ। इसके बाद मॉम्स इंट्यूशन, मेरी इंट्यूशन जो थी बिकॉज इट वाज आर फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो हम बिल्कुल भी कुछ इंट्यूशन ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे, तो मतलब गर्ल बॉय का कुछ था नहीं, तो इसलिए कोई इंट्यूशन नहीं थी। सो अब बात कर लेते हैं स्लीपिंग साइड। तो मैं ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स के टाइम पर राइट साइड जो है लेडीज जो प्रेफर करती हैं स्लो सोना, एंड बॉय के केस में लेफ्ट। तो नो, ये मेरे लिए रॉन्ग रहा है, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड ज़्यादा प्रेफर करती थी सोना, तो ये जो पॉइंट है वो मैं बॉय को देती हूँ। इसके बाद जो है
बेली शेप की बात कर लेते हैं, तो यस बेली शेप में कहते हैं कि गर्ल के जब होती है कंसीव किया होता है तो उसमें वाइड हो जाता है, तो और बॉय के केस में राउंड होता है। तो यस इट वॉज ट्रू, मेरे केस में जो था गर्ल थी एंड मेरे जो टमी एरिया इतना नहीं नज़र आता था एंड मेरे जो हिप्स के अराउंड काफ़ी फैट हो गया था, जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका था। तो ये है बेली शेप। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है लीनिया नाइग्रा। तो लीनिया नाइग्रा की हम बात करें तो लीनिया नाइग्रा जो होता है वो लाइन से बनती है पेट के ऊपर, तो वो कहते हैं कि अगर नेवल से ऊपर चला जाए तो बॉय होता है एंड नेवल से कम हो तो गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये पॉइंट थोड़ा गलत हुआ क्योंकि मेरे जो नेवल के ऊपर तक लाइन चली गई थी, बाकी सारे सिम्टम्स जो मेरे गर्ल के थे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, और भी बहुत 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 ही सारी अच्छी वीडियोज़ जो है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। इस कुर्ती का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसके भी अभी आपको लिंक आ रहा होगा एंड ये आप भी इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस को शेयर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।